सत्ताईसवीं द्वारा हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। हमें इसकी आवश्यकता होगी सबसे पहले चाहिए वैल्यूज, वैल्यूज से निकल करेंगे एक्स, फिर उसके बाद पास होते हैं टोटल ऑफ वैल्यूज एंड एफ एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम्स वाला सर दो क्या हुआ एस बार इक्वल टू समेशन एस अपॉन एन इनका एक है सिग्मा एक्स क्या है वैल्यू टोटल ऑफ वैल्यूज एन क्या है नंबर ऑफ आइटम्स हमारा फॉर्मूला क्या होगा जानते हैं हमने एक्स बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन एक्स बार एक्स बार समांतर माध्य है और उसका फोर समांतर माध्य है एक्स बार समांतर माध्य का क्या हो गया सिंपल से जैसे हमने क्वेश्चन किया था हमने अभी है आज स्टूडेंट बट के स्टूडेंट्स मैं सुझाव दे रहा था मैं सुझाव दे रहा था आप लोगों को मिलने से पा रहे हैं मैं सुझाव दे रहा हूँ कि मनोविज्ञान में मैं सुझाव दे रहा हूँ कि मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम में मिलने से पा रहे हैं मैं सुझाव दे रहा हूँ कि मनोविज्ञान में Thank you.
and values will be same. Values will be same. How we can remember that? Mean values. आधे से विचलन का योग, आधे से विचलन का योग।